नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दखल की खबर का असर, जी हां, सबसे पहले दखल न्यूज पर इस बात का खुलासा हुआ था कि आला कमान ने भूपेश बघेल की जमानत के बाद उनके बयानों व समर्थकों के कारण उन्हें आड़े हाथों लिया था, जिस कारण बघेल का बीपी लो हुआ था और उन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सीडी कांड के ताजा तरीन खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं की क्लास लेंगे। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या है पूरी खबर? आलाकमान ने आड़े हाथों लिया है भूपेश बघेल को। जी, आपको बता दूं मैं कि जो घटनाक्रम चल रहा था सीडी कांड, इसके बाद जब ये सीडी का मसला बाहर आया है, इसके बाद से आला कमान लगातार नाराज चल रहा था। इसके बाद जो इन्होंने आभार जमानत नहीं लेने की बात कही, फिर जमानत ले ली गई, इसके बाद आभार रैली निकालने लगे, तो इन सबसे आला कमान शुरू से ही नाराज था। और आज ये खबर आई है कि पीएल पूनिया जी के निवास पर दिल्ली में एक बैठक चल रही है, जो मेरे ख्याल से बैठक या तो खत्म हो गई होगी या चल रही होगी अभी, और इसमें छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। और संभवतः अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए छत्तीसगढ़ में। हालांकि चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूपेश बघेल के जो अधिकार क्षेत्र था, जो पावर था, कहीं ना कहीं उसके कम होने के संकेत अब दिख रहे हैं। जी संजीव, सीडी कांड भूपेश बघेल के पीछे एक भूत की तरह पड़ गया है। भूपेश बघेल ने इसको कैश कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा पड़ता दिख रहा है उन पर। दरअसल देखिए, जो सीडी कांड एक जो राजेश मूलक का हुआ था वो इतना बड़ा इशू नहीं था। अभी हाल ही में पीएल पूनिया और भूपेश बघेल के बीच में एक तनातनी की इंटरनल स्थिति चल रही थी, जो बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अंदर में तनाव चल रहा था। और अभी एक फिरोज सिद्दीकी नाम के पत्रकार हैं रायपुर के, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें पीएल पूनिया की कोई सीडी है उसके बारे में बात चल रही है, और उस सीडी को भूपेश बघेल डिस्कस कर रहे हैं उसमें, यानी कि पीएल पूनिया के पर कतरने के लिए किसी सीडी का इस्तेमाल करने की बात वहां चल रही थी। वो सीडी है या नहीं, ये बात जो ये तो भी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये संकेत ऊपर तक जरूर गए हैं कि कांग्रेस के नेता जो है आपस में ही एक दूसरे के पर कतर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि सीएल पूनिया को भी टारगेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव, शुक्रिया। पार्टी के तीन वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं, वहीं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता सुबह रवाना होंगे। आलाकमान के एकाएक दिल्ली तलब किए जाने के कारण भूपेश विरोधी नेताओं के बीच खुशी का माहौल है, किंतु पार्टी के दिल्ली आलाकमान फिलहाल छत्तीसगढ़ नेतृत्व में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के मूड में नहीं है, किंतु नाराजगी जरूर देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी को समस्त अधिकार सौंपे जाने की जानकारी सामने आ रही है, मगर छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की स्वीकृति पर अंतिम मोहर आलाकमान की ही अब लगाएंगे।